तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत घोष और आज जो आप देख रहे हैं यहां पे काफ़ी एक्साइटिंग लुकिंग मोटरसाइकिल है। तो हार्ले डेविडसन ने पिछले साल अपने सॉफ्टटेल सीरीज़ को लॉन्च किया था और इंटरनेशनली उन्होंने 9 बाइक्स लॉन्च किए थे, जिसमें से 6 बाइक इंडिया में आई हैं और ये उनमें से एक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है हार्ले डेविडसन की फैट बॉब। वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाएगा और हम आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में वो है इसके हेडलाइट। तो हेडलाइट काफ़ी कूल लुकिंग है और काफ़ी एलियन टाइप के हेडलाइट लगते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका DRL मिल जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स के ऊपर लो बीम, नीचे हाई बीम और विजिबिलिटी और थ्रो लाइट की बहुत ही औसम है और बहुत दूर तक दिखाई देती है इस बाइक में। ऑल्सो दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है एक बहुत ही चौड़ा सा फ्रंट एंड, जिसमें 43mm अपसाइड डाउन फोक्स है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है और काफ़ी बम्प्स को ये ले लेता है अच्छे से। इसको सामने एक 150mm का सेक्शन टायर मिलता है जो कि काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी कूल लगता है। बट वही चीज़ जब लो स्पीड पे आप बाइक चला रहे हैं, आप यू टर्न लेना है या आपको 3-point turn लेना है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ ये टायर 150 सेक्शन mm का है और ये काफ़ी चौड़ा है और उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस बाइक को लो स्पीड में स्पेशली। ऑल्सो दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है एक स्ट्रेट हैंडल बार और सामने कोई कवरिंग नहीं है, कोई काउल नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे ना, अभी ये इंडिकेटर्स जो है LED होने चाहिए थे, लेकिन ये इंडिकेटर्स हैलोजन है तो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट ओवरऑल दोस्तों, इसका फ्रंट एंड काफ़ी किकास लुकिंग है। बात करते हैं बाइक के साइड के बारे में। तो जैसे कि आप साइड से देख सकते हैं कि ये बाइक काफ़ी अच्छी और काफ़ी गुड लुकिंग है और काफ़ी लो है, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी लंबी भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो ये एक 107 क्यूबिक इंच मिलवॉकी 8 1745 cc का इंजन है, तो ये काफ़ी बड़ा इंजन है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1800 cc। ये एक V-twin है, क्योंकि हाले इसका पावर आउटपुट डिस्क्लोज नहीं करता है तो आपको पावर आउटपुट नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस इंजन 144 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्क है और ये मेटेड है 6-speed ट्रांसमिशन से। तो गियरबॉक्स जो है काफ़ी स्मूथ है इसका, लेकिन जब न्यूट्रल से आप फर्स्ट पे शिफ्ट करेंगे तो आपको एक वो क्लंकिंग की आवाज़ आएगी, खट करके आवाज़ आएगी। बस उसके बाद जो है गियर्स काफ़ी स्मूथ है, अपशिफ्ट काफ़ी स्मूथ है, इसके लैग नहीं है। इस हिसाब से बड़े इंजन के हिसाब से क्लच काफ़ी लाइट है, लेकिन हाइड्रोलिक क्लच अगर देते तो और भी लाइट होता। बात करें फ्यूल टैंक की दोस्तों, तो फ्यूल टैंक इसका 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। बाइक के साइज के हिसाब से ठीक ठाक है फ्यूल टैंक। और फ्यूल टैंक के ऊपर आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको एक छोटा सा स्क्रीन मिलता है ना, इस स्क्रीन में आप ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल रेंज, टैकोमीटर, बहुत कुछ चीज़ें हैं। और आपको एक एनालॉग RPM मीटर मिलता है उसमें, जो कि काफ़ी कूल है, क्योंकि आप जब रेड लाइन पर शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये शिफ्ट होगा। ये 5500 पे इसका रेड लाइन है, उस पर शिफ्ट होता है। और आपको ये साइड माउंटेड फ्यूल कैप भी मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी कूल लुकिंग है। तो एक खास चीज़ जो साइड से मोटरसाइकिल को अच्छी बनाती है वो है ये एग्जॉस्ट सिस्टम इसका। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम आप अगर देखें तो इसमें एक कॉपर फिनिश का एग्जॉस्ट हीट शील्ड है, वो कॉपर फिनिश में है, और एग्जॉस्ट के टिप जो है वो सिल्वर फिनिश में है। तो ओवरऑल ये ब्लैक के साथ कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है साइड से। ये काफ़ी अच्छी लुकिंग मोटरसाइकिल है साइड से, जैसे कि मैंने आपको बोला है। इसको फ्रंट और रियर में आपको देखिए यहाँ पे चॉप टॉप फेंडर्स मिलते हैं, तो सामने भी आपको छोटे फेंडर्स मिलते हैं और पीछे भी फेंडर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसका जो मड गार्ड है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। लोग जब पीछे से इस बाइक को देखते तो उनको लगता है कि शायद ब्रेक लाइट गिर गया है या ब्रेक लाइट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेक लाइट हार्ले डेविडसन ने ये जो इंडिकेटर है इसमें इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो ये LED इंडिकेटर है पीछे की तरफ, जिसमें ब्रेक लाइट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। राइडर की सीट है वो एकदम बकेट टाइप की सीट है, तो काफ़ी गहरी सीट है ये, पिलियन के लिए काफ़ी छोटी सीट दी गई है, प्लस इसमें बैक रेस्ट नहीं आता है। तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइडर जो है एकदम पूरी तरीके से फिट आ चुका है सीट में। राइडर के लिए सीट काफ़ी अच्छी है, लेकिन पिलियन के लिए उतनी अच्छी नहीं है। इधर आप आफ्टर मार्केट सीट लगाइए और एक बैक रेस्ट आप लगाइए, क्योंकि इसमें इतना टॉर्क है दोस्तों कि अगर पिलियन बैठा और आपने हल्का सा गैस आउट किया तो हो सकता है पिलियन अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि स्लिप करने का डर रहता है पीछे से। और तो और मैं आपको हीटिंग के इश्यूज़ के बारे में बता दूं, तो क्योंकि ये एक V-twin है और हार्ले और इतना बड़ा इंजन है तो हीट तो ऑब्वियसली होगी, बट ये रेडिएटर नहीं है इसमें। जब रेडिएटर होता है तो आप फैन से सारा हीट आपके पैरों में और हवा और ये छाती पे आता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है। इसमें होता क्या है
कि इसका जो सिलेंडर हेड है यहाँ पे, तो ये काफ़ी काफ़ी गर्म हो जाता है। और जब आप सिग्नल पे ऐसे करके जब आप पैर नीचे रखते हो, और अगर आप शॉर्ट्स पहने हैं दोस्तों, तो आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये इतना गर्म हो जाता है बाइक। प्रेफर्ड है कि आप इधर जीन्स पहने, और नहीं तो आप राइडिंग पैंट्स पहन के ये बाइक को चलाएं। काफ़ी अच्छी लुकिंग है साइड से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और इसको बहुत चौड़े चौड़े टायर मिलते हैं, सामने 150, पीछे 180 सेक्शन का टायर मिलता है। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि इसको 150 सेक्शन का टायर मिलता है, सामने लो स्पीड्स पे इसको मैन्यूवर करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज ये फ्रंट एंड काफ़ी हैवी हो जाता है। लेकिन हाई स्पीड्स पे दोस्तों ये बाइक बहुत फैंटास्टिक चलती है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैन्यूवर होती है। हाई स्पीड पर ना थोड़ा सा आप स्पीड लेंगे तो बाइक बिल्कुल हल्की लगने लगेगी, लेकिन फिर भी हल्की नहीं है, 302 केजी की है, सबसे भारी है यार दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी लगती है साइड से, जस्ट फैंटास्टिक लुकिंग। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये एक नॉब है, एक रोटर है, तो ये रोटर किस चीज़ में हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पीछे का मोनोशॉक है, ये एक नॉब है जिसमें 5 सेटिंग दिए हुए हैं, तो अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप 1 पे कर दीजिए, अगर आप सस्पेंशन हार्ड चाहिए तो 5 पे कर दीजिए। अभी ये सेंटर पे है, 3 पे है, इस सिटी में 3 पे ही रखता हूँ। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल राइड चाहिए तो आप 1 पे कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि ये सस्पेंशन की जो डैम्पनिंग है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है, आप अगर पीछे लगेज लेके जा रहे हैं और पिलियन भी बैठा है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो पार्ट है बाइक का, ये जो इसके पाइप्स हैं, ये काफ़ी गर्म है, तो आप ये चीज़ करने से पहले, इधर आप बाइक को स्टार्ट करने से पहले, आप राइड स्टार्ट करने से पहले इसको एडजस्ट कर दीजिए, और नहीं तो आप ठंडे होने का वेट करिए, क्योंकि अगर आप ये नॉब घुमाएंगे और आपका हाथ यहाँ पे टच किया तो जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये नॉब सस्पेंशन सेटिंग्स को बदलता है, और हार्ड और सॉफ्ट और जैसा भी आप चाहें, जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से सस्पेंशन सेटिंग को कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हार्ले डेविडसन सॉफ्टटेल सीरीज की फैट बॉब। हम लोगों को ये मोटरसाइकिल काफ़ी पसंद आई है, आई होप हम लोग ने मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। तो अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, हम लोग आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। और ये मोटरसाइकिल प्राइस्ड है 14.5 लाख एक्स शोरूम पैन इंडिया, दैट इज क्लोज टू 17-17.5 लाख ऑन रोड के आसपास ये है। ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी लुकिंग है, काफ़ी स्टाइलिंग लुकिंग है, और हम लोग जस्ट इम्प्रेस्ड है कि हार्ले डेविडसन ने क्या कमाल किया है ऐसी मोटरसाइकिल को बना के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रोमित साइन आउट करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली बार एक अगली गाड़ी के साथ।